दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि आखिर मुनव्वर क्यों नहीं जीत पाए, लाइव वाला जो बात हुआ था, जो रिकॉर्ड वाली बात हुई थी, वो क्यों नहीं तोड़ पाए, इसके पीछे क्या वजह है और किस लिए कहां कहां कमी रह गई, इसी चीज के बारे में हम बात करेंगे और बहुत ज्यादा खुल के आपको समझाऊंगा कि क्या दिक्कत हो गई थी। नमस्कार आप सभी का, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मेरा नाम गणेश कांदू है, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का। देखिए एक चीज याद रखिएगा कि लाइव रिकॉर्ड नहीं टूटा तो नहीं टूटा मेरे भाई, इंसान का जो टैलेंट की बात होती है क्या वो उसके लाइव रिकॉर्ड और उसी चीज से काउंट की जाती है क्या? आप जानते हैं और जितने भी लोग मुनव्वर के फैन हैं वो सभी जानते हैं कि भाई कहीं ना कहीं टैलेंट इज व्हाट एक्चुअली मैटर्स, उनके पास टैलेंट है। और ऐसा नहीं भाई लाइव रिकॉर्ड तोड़ देते तो कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिलने वाला था, कोई कुछ नहीं था भाई, सिर्फ वही था कि हवाबाजी ही होनी थी उसके बाद। बट ये बहुत अच्छी बात है आप सभी लोगों के लिए कि भाई रिकॉर्ड नहीं टूटा, YouTube पर ट्रेंडिंग नंबर वन पे है, वीडियो ट्रेंडिंग पर है। बट गलती कहाँ हो गई कि अगर देखिए मुनव्वर बिग बॉस जीतने के बाद ही एक या दो दिन बाद लाइव आ जाते तो सब काम खत्म था, फिर आराम से रिकॉर्ड टूट जाता क्योंकि उस समय हाइप ऑलरेडी बिल्ट था, उस समय हाइप ऑलरेडी साथ में था, समझ रहे हो आप? मतलब 28 को बिग बॉस खत्म हुआ, कल मुनव्वर लाइव आए, तो वो एक हफ्ते के आसपास का गैप, 4-5-6 दिन का जो गैप है उसमें ना भाई देखे ये बोलते हैं ना कि वो कहावत होती है लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो, ये वो वाली बात है। एल्विस लाइव जल्दी आ गए थे इसीलिए उनके उसमें इतने सारे लोग आकर जमा हो गए, समझ गए? और एल्विस अपने साथ जब सीएम को लेकर आ गए तो वो थोड़ा सा हाई पे क्लियर अलग हो गया कि हाँ यार मतलब बंदा कैसे ले आया, सीएम कैसे आ गया जीतने पर, समझ रहे हो आप? सीएम साहब आ गए तो वो उस हिसाब से था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नॉर्मल पब्लिक, डोंगरी की जितनी पब्लिक थी वो सब इकट्ठा होकर आई मुनव्वर के लिए, और क्या पता कौन कौन मतलब मुंबई के किस किस कोने से पहुंचा था डोंगरी में। देखिए रिकॉर्ड नहीं टूटा बट ये भी याद रखिएगा कि कुछ भी बिगड़ा भी नहीं है तो उस चीज से ऑफेंड होने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज तो कहीं ना कहीं हाँ अगर मुनव्वर जल्दी लाइव आते एक या दो दिन में, 30 को ही लाइव आ जाते, एक को ही आ जाते तो आराम से रिकॉर्ड टूट जाता भाई ये, बट ठीक है। और कहीं ना कहीं ये भी आपको याद रखना चाहिए कि ये जो सीजन था, देखिए पिछले सीजन को हाइप बिल्ड हो मिल चुकी थी वो वाली, अभिषेक थे, मैं बात ओटीटी की कर रहा हूँ, अभिषेक थे, पुनीत सुपरस्टार पहले निकल गए तो हाइप दे ही दिया था, एल्विश आ गए, इस बार भाई कोई वैसा नहीं आया अंदर घर के, अकेला एक बंदा था मुनव्वर फारूकी जिसने अपने कंधे पर ये पूरा बिग बॉस का शो चलाया, सीजन 17 चलाया, और उसी की वजह से जो टीआरपी आई है, अगर उस हिसाब से टीआरपी रेटिंग के हिसाब से देखें तो लाइव पे इतने लोग का आना भी मेरे को भाई बहुत बड़ी बात लगी, क्योंकि जितने भी प्रेडिक्शंस थे और जो भी चीज़ मैंने सोच के रखी थी वो यही था कि भाई 2-3 लाख के आसपास लोग आएंगे, बट उससे 40,000 ज़्यादा ही गए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है यार खुद में। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है दोस्तों ज़रूर बताएगा हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, धन्यवाद।